हेलो एवरीवन, नमिता हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो गया इवनिंग का टाइम, ऐसे ही थोड़ा सा हम लोग जा रहे हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। हे गाइस, तो हमारे घर के पास एक मंदिर है शिव जी का। मंदिर थोड़ा सा हील टाइप के जगह में है, तो यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है। पहले भी हम लोग कई बार आ चुके हैं यहाँ पे, तो इवनिंग का टाइम बहुत अच्छा लगता है, बहुत विंडी रहता है और सनसेट भी बहुत अच्छा दिखता है यहाँ से। तो हम लोग कभी कभी आते हैं, ऐसे कहीं बाहर नहीं जा सकते तो यहीं पर थोड़ा आते हैं, और यहाँ पर भीड़ भी थोड़ा कम ही रहता है, आज तो कम ही है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये जगह। हेलो एवरीवन, तो अभी बज गए हैं रात के 8 एंड हम लोग जो गए थे उस टाइम में, तो आते थे बहुत लेट हो गया था और अद्वैत आते ही थोड़ी देर के लिए सो गया। फिर हम लोगों ने थोड़ा कॉफ़ी पी लिया और अभी मैं आई हूँ डिनर बनाने के लिए। तो आज मैं सोच रही हूँ डिनर में बनाऊँ चिली गोभी एंड सेजवान फ्राइड राइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने पहले राइस को बना के रख लिया है, और चिली गोभी के लिए मैंने गोभी को छोटा छोटा पीस कर दिया है। तो पहले मैं बना रही हूँ चिली गोभी, तो उसके लिए मैंने गोभी को थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। तो मैं यहाँ पे बॉईल कर रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ पानी में। उसको ज़्यादा टाइम के लिए बॉईल नहीं करना है, जस्ट 1-2 मिनट के लिए ही हमको उसको गर्म रखना है। तो बैटर बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 3 टेबलस्पून मैदा एंड 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस, सॉल्ट, लाल मिर्च पाउडर, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिला लूँगी। तो बैटर को हमको ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, तो उसके हिसाब से हम लोग को इसमें पानी ऐड करना पड़ेगा। बैटर रेडी होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गोभी और इसको फ्राई कर लेंगे। तो मैं अभी जो भी वेजेस मुझे चाहिए चिली गोभी और फ्राइड राइस बनाने के लिए, वो सबको चॉप करके रख ले रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने अभी सारे वेजेस को भी चॉप करके रख लिया है और मेरा गोभी भी फ्राई हो गया है। तो चलिए अभी बनाते हैं हम चिली गोभी।
तो मैंने पहले आपके साथ एक चिली चिकन का भी रेसिपी शेयर किया था, उसी के जैसे ही हम लोग चिली गोभी भी बनाएंगे। तो कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे चॉप जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली, उसके बाद हम डालेंगे उसमें ऑनियन और उसके बाद कैप्सिकम और सबको एक साथ फ्राई कर लेंगे। हमको ज़्यादा टाइम के लिए इस सबको फ्राई नहीं करना है। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट एंड थोड़ा सा पेपर, आप अपने स्वाद के अनुसार ये सब ऐड कीजिए। तो अभी हम ऐड कर लेंगे सारे सॉस। तो मैं ऐड कर रही हूँ विनेगर, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस एंड थोड़ा सा टमाटो केचप। फिर हम लोग इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे फ्राइड गोभी और कुछ देर के लिए इसको पका लेंगे। तो कॉर्नफ्लोर और पानी को थोड़ा सा मिक्स करके हम लोग उसमें लास्ट में डाल देंगे। तो थोड़ी देर पकाने के बाद हमारा चिली गोभी रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग उसके गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन और थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स उसके ऊपर डाल देंगे। तो ये देखिए चिली गोभी तो बन गया। तो अभी हम बनाएंगे फ्राइड राइस। तो मैं बना रही हूँ सेज़वान फ्राइड राइस। तो अभी मैंने यहाँ एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड किया है। फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे चॉप्ड ऑनियन, उसके बाद थोड़ा सा चॉप्ड वेजेस, सबको अच्छे से मिला के थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, उसके बाद मैं ऐड करूँगी सॉस। तो यहाँ पे भी मैं वही सारे सॉस यूज़ कर रही हूँ, विनेगर, सोया सॉस एंड थोड़ा सा चिली एंड थोड़ा सा केचप। तो मैं बना रही हूँ सेज़वान फ्राइड राइस। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सेज़वान चटनी। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप अगर ट्राई नहीं किए हैं देन प्लीज़ ट्राई करें। तो कुछ देर पकाने के बाद मैं अभी ऐड कर रही हूँ राइस। ये मैंने पहले से ही बना के रख लिया था। अगर आप भी कभी फ्राइड राइस बना रहे हैं देन राइस को पहले से ही बना के रख लीजिए, जैसे कि 1-2 घंटा पहले ही। तो अगर आप इसको डायरेक्टली बना के डालते हैं तो राइस थोड़ा सा स्टिकी रहता है। तो ये देखिए हमारा फ्राइड राइस भी बन के रेडी हो गया है। Hey guys, तो डिनर भी मेरा रेडी हो गया है और अभी जा रहे हैं हम लोग डिनर करने के लिए।
फ्रेंड, तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज का डिनर बहुत अच्छा बना था, आप भी इसको एक बार ट्राई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय बाय।